नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल उर्फ हरसू सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके ये सभी त्यौहार बहुत अच्छे बने होंगे। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं आगामी परीक्षा की तैयारी को। फिर से बहुत हर्षोल्लास, मस्ती, मजाक हो गया, बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, अब वक्त है पढ़ने का, क्योंकि अब यही 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिन में ही हमको जो कुछ करना है वो करना है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये सोचकर अगर हम आज काम करेंगे तो वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द हम अपने लक्ष्य तक पहुँच गए होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी अंतिम क्लास में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में समझाया। सिद्धांत को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर से एक अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। पूरी वीडियो को देखें और शेयर भी करें, ये नहीं कि सिर्फ सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, देख कर छोड़ दिया। जब आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर अधिगम के कुछ प्रमुख नियम, जो कि 3 थे। तो आज बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर अधिगम के मुख्य नियम, जो कितने हैं? 3, जिसमें पहले नियम की मैं आपसे बात करूंगा। पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को व्हाइट बोर्ड पर समझाने से पहले मैं आपको ओरली समझाने का प्रयास करता हूं। तत्परता के नियम से थॉर्नडाइक कहना चाहते हैं कि यदि बालक सीखने के लिए तत्पर है, यदि उसके पास सीखने की इच्छा शक्ति है, यदि वो सीखना चाहता है तो हम उसे सिखा सकते हैं। और अगर वो सीखने के लिए तत्पर है ही नहीं, सीखना चाहता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं कि उसे पढ़ना है, तो आप उसे नहीं सिखा सकते। अगर वो तत्पर है, सीखने के प्रयास करना चाहता है और प्रयास कर रहा है, तो जब रिजल्ट आएगा तो उसे संतुष्टि भी प्राप्त होगी। और जब वो तत्पर नहीं, तो भले ही वो कितने ही प्रयास आप उसके साथ करें, क्योंकि वो सीखना चाहता ही नहीं, तो जो मिला उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता, तो उसको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब तक संतुष्टि नहीं, तब तक अधिगम पूरा नहीं, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है। सही भी है। जैसे कि मैं चाहूं कि मुझे ये काम नहीं करना है और जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, मेरा मन ही नहीं है, तो वो काम अच्छा हो या बुरा मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उस काम को करना ही नहीं चाहता। जैसे कि थॉर्नडाइक के नियम में बिल्ली जो भूखी थी, भूखी बिल्ली जो मछली को पाना चाह रही थी, इसको पिंजरे में कैद किया गया। अगर वो बिल्ली भूखी नहीं होती, अगर उसकी भूख, उसकी तत्परता नहीं होती, तो क्या आपको लगता है बिल्ली भोजन पाने के लिए प्रयास करती? और जब प्रयास नहीं होते तो गलतियां भी नहीं होती, और जब गलतियां नहीं होती तो गलतियों में सुधार भी नहीं होता, और जब सुधार नहीं होता तो कैसे कह सकते थे कि प्रयास जो है व्यक्ति का अधिगम करा सकते हैं? कैसे कह सकते थे कि प्रयत्नों के माध्यम से त्रुटियां कम हो जाती हैं? तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि भैया, सीखने के लिए पहले क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने आपसे कहा कि आप जब भी बालक स्कूल में आए तो स्कूल को, मैं आपको सिलेबस खत्म नहीं कराना, आपको पाठ्यक्रम को खत्म नहीं कराना, बल्कि क्या करना है, आपको बाल केंद्रित शिक्षा चलानी है, जिसमें बालक केंद्र, बालक जो चाहता है वैसे, बालक सीख रहा है या नहीं हमें यह देखना है। तभी आपसे कहा कि शिक्षक क्या है, शिक्षक सिर्फ क्या काम कर रहा है, शिक्षक सिर्फ बालक को संवारने का काम कर रहा है। तभी हमने कहा, तभी साइकोलॉजिस्टों ने कहा, तभी आपके एनसीईआरटी ने कहा कि बालक अपनी क्षमता लेकर पैदा हुआ है, आपको क्षमता को जगाना है, क्षमता को जगाना है। तभी एनसीईआरटी ने कहा कि कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पहले ही बालक के सामने कब, क्या, क्यों, कैसे पढ़ाया जाएगा, इस चीज को पहले ही खोलकर रख देना। हमें बताना है कि बालक को पढ़ने से ये फायदा होगा, हमें बताना है कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है, ऐसे आपको ये लाभ मिलेगा। जब लाभ उसकी समझ में आएंगे तब उसके अंदर रुचि पैदा होगी, और रुचि उसको क्या देगी, अभिप्रेरणा देगी। अभिप्रेरणा से क्या आएगी, तत्परता आएगी।
तो तत्परता बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं थॉर्नडाइक साहब? थॉर्नडाइक साहब कह रहे हैं कि जब बालक सीखने के लिए तत्पर हो तभी अधिगम कराया जाए, और ऐसा करने से बालक को संतुष्टि प्राप्त होगी, संतोष मिलेगा। और जब संतुष्टि प्राप्त होगी तो इसका मतलब क्या है? अधिगम पूरा हुआ, बालक संतोष हुआ। यानी कि ये कहना चाहते हैं या मैं कहना चाहता हूं कि जब आप टीचर बनकर कल विद्यालय में पहुंचोगे और कक्षा में शिक्षण का काम करोगे, तो कक्षा शिक्षण में बालक को आपको क्या करना है? तत्पर करना है। यानी कि जब विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हो तभी अधिगम कराएं, अन्यथा में आप अधिगम ना कराएं। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हो तभी अधिगम कराया जाए, ऐसा कहना है। यानी कि जब कल आप टीचर बन के विद्यालय में जाओगे और विद्यालय में पहुंचने के बाद आप बालक को सिखाने का प्रयास करोगे, आपका यही तो उद्देश्य है कि आप बालक को पढ़ाएं। जब आप बालक को सिखाने का प्रयास करोगे और बालक सीख नहीं पा रहा है, तब फिर आपको एक विचार करना होगा कि बालक सीख क्यों नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बालक की रुचि ही नहीं है? बालक की रुचि नहीं है तो आपको उसके अंदर क्या पैदा करनी होगी? रुचि पैदा करनी होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट को जगाना होगा, उसको तत्पर करना होगा उस काम को करने के लिए। यानी एक बालक आलसी है, नहीं उठाया जाता उससे बिस्तर से, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई सुबह 4 बजे रेस लगाया। कैसे लगाने जाएगा वो 4 बजे रेस? पहले आपको उसके रेस के फायदे उसको बताने होंगे, उसको समझाना होगा, और ये आदत आपको निरंतर उसके अंदर डालने का प्रयास करना होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके अंदर इस चीज़ में क्या आएगी? रुचि। हो सकता है पहले कुछ दिन उसे थकान महसूस हो, वो ना कर पाए, लेकिन आपको क्या करना होगा? लगातार आपको उसके लिए उसको तत्पर बनाने का प्रयास करना होगा, पहले उसके अंदर अभिप्रेरणा को जगाना होगा। तो यही बात कहना चाहते हैं कि यदि बालक सीखने के लिए तत्पर है तभी आप अधिगम कराएं, और ऐसा अगर आप करोगे तो बालक को संतुष्टि प्राप्त होगी। जब भी मैं कह रहा हूं कि कक्षा शिक्षण में जब विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर हो आप तभी उसे सिखाने का प्रयास करें, यानी कि आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि बालक को सीखने के लिए तत्पर बनाया जाए। आपका पहला कर्तव्य बनता है कि बालक को सीखने के लिए उसके अंदर अभिप्रेरणा को जन्म दिया जाए। आपका कर्तव्य बनता है कि बालक के अंदर रुचि को जन्म दिया जाए। अगर रुचि होगी तो अभिप्रेरणा आंतरिक होगी, और जब अभिप्रेरणा आंतरिक हो जाएगी तो बालक स्वतः करने का प्रयास करेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको सिर्फ उसको क्या करना है? डायरेक्ट करना है, मार्गदर्शित करना है, निर्देशित करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने सवाल हमारे समक्ष रख सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग देने के लिए, ये नहीं कि लिखा लिखाया यहां आ गया, लिखे लिखाए हुए को मैंने आपके सामने इलाबोरेट कर दिया, बस कुछ नहीं। मैं आपको वो फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं जो ऑफलाइन क्लास में होती है। ऑफलाइन क्लास में हम ऐसे ही तो पढ़ाते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। मैं अगले नियम की तरफ बढ़ता हूं। अगला नियम है अभ्यास का नियम। मैं इस अभ्यास के नियम को एक और नाम देता हूं, उपयोग का नियम, और अभी एक और नाम दूंगा थोड़े समय के बाद। अभ्यास के नियम यानी कि अभ्यास से हम क्या समझते हैं? रिवीजन, रिवाइज करना, बार 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 किसी चीज का अगर हम रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? जो हम सीखे हैं वो मजबूत हो जाए, यानी कि जो बॉन्ड बना है वो और मजबूती को प्राप्त कर लेगा। यही बात कहते हैं थॉर्नडाइक।
यानी कि रिवीजन, यानी कि पुनरावृत्ति, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या करेगी, अनुबंध को मजबूत कर देगी। यानी कि ये पुनरावृत्ति ही तो है, यानी कि एक समय ऐसा होता था कि एक समय पर हम क्या करते थे, हर चीज को मुंह में देने का प्रयास करते थे, हर चीज खाने का प्रयास करते थे, बचपन में यही तो करता है बालक। फिर हम उसकी बॉन्डिंग करते हैं एक समय के साथ, उसे खाने वाली चीजें समझ में आती हैं, फिर क्या होता है, स्कूल में जाता है कभी भी लंच बॉक्स खुल जाता है बालक का, लेकिन एक समय के बाद उसे पता चल जाता है कि जब बेल बजेगी लंच की तब मुझे खाना खाना है, बॉन्ड बन जाता है फिर उसका। क्यों? क्योंकि वो रोज रोज वही क्रम रिवाइज हो रहा है। तो क्या है पुनरावृत्ति, क्या करती है, अनुबंध को मजबूत करती है। और पुनरावृत्ति का अभाव, समझ ही चुके होंगे, पुनरावृत्ति का अभाव क्या करेगा, बॉन्ड को कमजोर कर देगा, टूट जाएगा बॉन्ड, टूट जाएगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर मैं किसी चीज का, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की रिवीजन करत करते रहना चाहिए, करत करत अभ्यास के, तो वो रिवीजन जो है वो आपको क्या करेगा, भूली चीज को भूलने से बचाएगा, किसी भी याद की गई चीज को भूलने से बचाएगा, विस्मृति आने से बचेगा। तो पुनरावृत्ति क्या करती है, और अगर आप पुनरावृत्ति नहीं कर रहे, बहुत लंबे समय तक आपने किसी चीज को नहीं देखा, जैसे कि आपके साथ होता होगा कि आप पढ़े थे बहुत पहले, फिर कहते सर याद नहीं रहता, हम पढ़े तो थे चार दिन पहले लेकिन याद नहीं है। तो वो याद क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तब उसको रटने का प्रयास किया, समझने का नहीं, और रटने का प्रयास किया और फिर रिवीजन नहीं किया, और रिवीजन नहीं किया तो क्या हुआ, भूल गए, बॉन्ड नहीं बन पाया। आज भी आपको लगता होगा कि सर क्वेश्चन सीरीज लेके आइए, क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा, तैयार हो चुकी है, आपको अगली वीडियो क्वेश्चन सीरीज की मिल जाएगी। आपको लगता होगा सर समझ में तो सब आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन सॉल्व ना होने का रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि आप जो समझने का प्रयास नहीं बल्कि रटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया था प्रत्यय त्रुटि का सिद्धांत, प्रयोग किया बिल्ली पर, नहीं चलेगा इससे काम कि सिद्धांत किसने दिया। हमें सिद्धांत की एक एक बात को समझना होगा, हमें सोचना होगा थॉर्नडाइक की तरह कि थॉर्नडाइक क्या सोचना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। उसके लिए आपको बार बार, मैं तो यहां प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा ही, आपको भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, लगाना होगा, जिससे कि आपके साथ क्या होगा, हो सकता है कि पहले कुछ दिन आपकी समझ से क्वेश्चन परे हो, आपको उनकी भाषा समझ में आए, लैंग्वेज आपकी समझ में नहीं, कहना क्या चाह रहा है, मैं तो सही सोच रहा हूं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, मैं तो सही सोच रही हूं लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन जब आप लगातार उस प्रैक्टिस को करोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसका मूड क्या है, वो आपकी समझ में आने लगेगा। और जब एक बार उसका मूड समझ में आने लग गया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना खत्म हो जाती है। मैं वादा कर रहा हूं कि मेरी क्लास से आपका एग्जाम बाहर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ भी मेहनत करनी होगी, देखनी होगी पूरी वीडियो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सवाल मेरे सामने रखने होंगे, और खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी, और अगर समस्याएं आएंगी तो फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन भी आपके मेरे तक पहुंचेंगे। आज मैं आपको एक और साधन दे देता हूं कमेंट बॉक्स के साथ साथ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सीधे व्हाट्सअप, कभी भी आप अपने क्वेश्चन मुझ तक भेज सकते हैं, मैं आपको आपके क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बस आपसे एक चीज चाहिए मुझे, जो आपका लक्ष्य है आप उसे पालें। तो आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके माध्यम से आप अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या मुझ तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम पर इसी के नाम से ग्रुप है, दी एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से, आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझ तक समस्या पहुंचा सकते हो, यानी कि किसी भी वे में आप मुझ तक अपनी समस्याओं को रख सकते हो। तो जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपको भी मेहनत अब करनी होगी। अगले नियम की बात करते हैं, इस नियम को आगे लेके जाते हैं, यानी कि रिवीजन क्या कर रहा है, बॉन्ड को मजबूत, और रिवीजन का अभाव क्या कर रहा है, बॉन्ड को कमजोर कर रहा है। तो यार एक बात मुझे जाननी है
कि आपने पढ़ा तो था कि थॉर्नडाइक ने दिया प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठे तो आप रिवीजन करने लगे प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, कुत्ते पर प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग, लेकिन था तो यार बिल्ली का। तो ये रिवीजन तो हो रहा है, बॉन्ड भी मजबूत हो रहा है, क्या ये रिवीजन किसी काम का है? क्या ये रिवीजन वो है जो उद्दीपक का अनुक्रिया के साथ बंद बना था? बंद तो ये था ना, प्रयोग बिल्ली पर है, लेकिन आपने तो गलत चीज का रिवीजन कर लिया ना। तो अगर गलत अनुक्रिया का गलत रिवाइज करें हम, तो क्या होता है? तब भी बॉन्ड टूट जाता है, और इसीलिए हम इसको अनाभ्यास का नियम भी कहते हैं, अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? अभ्यास में अशुद्ध या गलत अनुक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर अनुक्रिया का बंध टूट जाएगा, उद्दीपक का अनुक्रिया से संबंध टूट जाएगा, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनाभ्यास का नियम, अनाभ्यास या अनुपयोग का नियम। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बात आई होगी कि रिवीजन बिल्कुल बॉन्ड को मजबूत बनाएगी, लेकिन रिवीजन भी कैसा? सही। अभी थोड़ी देर बाद या आगामी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा इस सिद्धांत की आलोचना की। जब इस सिद्धांत की आलोचना करूंगा तो बताऊंगा कि हमें अभ्यास करना कैसे चाहिए। मैं नहीं, खुद थॉर्नडाइक ने की। थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम को और अपडेट किया, अपनी गलतियों को स्वीकारा और एक सही नियम देने का प्रयास किया, जिसे हम कहते हैं नियंत्रित अभ्यास का नियम। बात करूंगा आपसे अभी आगे। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बात आई होगी कि अभ्यास का नियम क्या है, उपयोग का नियम क्या है, अनाभ्यास का नियम ये कब बन जाता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। अगली बात करते हैं, तीसरा नियम प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इंपैक्ट। प्रभाव किसका? अनुक्रिया का। मैंने आपको समझाया था जब उद्दीपक अनुक्रिया बंध को बताया, जब मैंने आपको बताया स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के बारे में, मैंने आपको बताया उद्दीपक क्या करता है? प्रेरित करता है। किसके लिए? अनुक्रिया के लिए। अनुक्रिया के साथ क्या होता है? अनुक्रिया दो तरह की, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो है, सकारात्मक नकारात्मक जो है, वो क्या है? इंपैक्ट ही तो है। जब पॉजिटिव होगा तो मैंने आपको बताया कि ये क्या होगा? सुखद होगा। और जब नेगेटिव होगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा कि यार मैंने इतना कुछ किया लेकिन यहां से कुछ मिला नहीं, मैंने ये काम तो किया लेकिन यहां से कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। जब किसी के साथ आप मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का हट जाना ना मिले, तो आपको क्या होता है? दुख होता है ना। आप बाजार से कोई फल लेके आए, वो सड़ा निकलाया, दुख होता है ना। आपने कोई काम, जैसे कि आज आप मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरीके से, आपने बीते समय में मेहनत की होगी, इनके सफलता नहीं मिल पाई, दुख होता है ना। तो ये वही है, आपको याद आता है कि यार मैंने अनुक्रिया में कुछ गलती तो नहीं की। जब दुख होता है तो आप अपनी गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, गलतियां मिलती हैं, आगामी प्रयास में उन गलतियों को कम करते चले जाते हैं। तो यही बात कहना चाहते थे थॉर्नडाइक अपने प्रभाव के नियम के माध्यम से। क्या कहना चाह रहे हैं थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जब
अनुक्रिया से दो चीजें निकलती हैं, एक संतोष निकलता है और एक असंतोष निकलता है। जब संतोष होता है, यानी कि ये क्या है, प्रभावी तो है, जब संतोष होता है तो संतोष से क्या होता है, दोहराव होता है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। जब असंतोष होता है तो दोहराव नहीं होता। जब संतोष तो दोहराव और संतोष तो दोहराव नहीं, ये इंपैक्ट है, इंपैक्ट के माध्यम से आपको पता चल रहा है। दूसरी बात, थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम को पुरस्कार दंड से भी जोड़ने का प्रयास किया। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो पुरस्कार है, यानी कि इसका पुरस्कार एवं दंड से भी संबंध, यानी कि ये पुरस्कार है ना, थॉर्नडाइक कहते हैं कि पुरस्कार के माध्यम से क्या होता है, अनुबंध मजबूत हो जाता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है पुरस्कार सीखने में सहायक है। वही थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि दंड जो है वो सीखने में बाधक है। ऐसा मानना है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक क्या कहना चाह रहे हैं, पुरस्कार सिखाने में सहायक की भूमिका निभाता है, वही दंड सिखाने में सहायक की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि क्या है, बाधक है, एक हर्डल के रूप में आता है। आलोचना तो मैं इसकी भी करूंगा, क्योंकि बात तो ये भी सही नहीं लग रही, कहीं ना कहीं कमी ना कमी कुछ ना कुछ कमी तो इनमें है। करेंगे आगे आलोचना, मिलकर करेंगे हम और आप दोनों, जब मिल बैठेंगे दो यार उसी तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये बात भी आई होगी कि प्रभाव का नियम क्या कहना चाहता है। आगे की बात करता हूं अधिगम के कुछ अन्य नियम या सेकेंडरी लॉ, यानी कि गौण नियम। तो गौण नियमों की बात करेंगे जो थॉर्नडाइक ने कितने दिए, 5। अन्य गौण नियम जानने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं नियमों में, क्योंकि सब कुछ कहां से निकले, थॉर्नडाइक के नियमों से। तो पहला है बहुविध या बहु अनुक्रिया का नियम। तो जनरल सी बात यहां पर यह है कि एक सही अनुक्रिया प्राप्त करने से पूर्व अनेक अनुक्रियाएं की जाती हैं, और वो अनेक अनुक्रियाएं क्या करती हैं, आपको सही लक्ष्य तक ले जाती हैं। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि सही अनुक्रिया प्राप्त करने से पूर्व अनेक अनुक्रिया की जाती है। दूसरा है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। यानी कि कुछ कुछ तत्परता की तरह देखने को मिलता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोचता है किसी चीज के बारे में, आपको ये जानना है। अगर उसकी मानसिक स्थिति क्या है, सीखने के लिए तत्पर रखती हो से, यानी कि मानसिक स्थिति पॉजिटिव है तो वो एक बार में सीख जाएगा, और अगर उसकी मानसिक स्थिति नकारात्मक है तो वो एक प्रति में नहीं सीख पाएगा, उसको सिखाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। यानी वो तब तक नहीं सीखेगा जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति उसको सीखने के लिए तैयार नहीं करती। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, मानसिक स्थिति इससे नियम से इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। अगर इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति किस चीज की, स्वयं सीखने की, और यदि इच्छा शक्ति है
तो बालक सीख जाएगा, यानी इच्छा शक्ति स्वयं सीखने की, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि सीखने के लिए तत्परता आवश्यक। यानी कि अगर बालक सीखने के लिए तत्पर है तो उसको हम एक प्रश्न में ही सिखा सकते हैं, यानी कि वो तुरंत सीख सकता है, और यदि तत्पर नहीं है तो उसको हम सिखा नहीं सकते, ऐसा कहना है थॉर्नडाइक का मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे की मानसिक स्थिति को आपको देखना है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो क्या कह रही है, क्या करने की बात कर रहा है। तो आपकी उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये बात भी आई होगी। अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम से हम और आप क्या समझते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। आंशिक क्रिया क्या है, यानी कि कहना चाहते हैं आंशिक क्रिया के नियम से कि जब हमें कोई काम करना होगा, जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी, तो समस्या के लिए जो उपयुक्त चीजें हैं हम उनका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि हम पूरे ज्ञान का वहां उपयोग कर दें, यानी जितना आवश्यक उतना ज्ञान, यानी कि पूरी कहानी पूरा जीवन में जितना हमने अनुभव पाया उन सबको वहां लगा दे। जैसे कि रास्ते में अगर आपको गड्ढा मिल गया, अब उसको हमें पार करना है, तो आपने कहा भाई साहब मैं तो मैथमेटिशियन हूं, तो आपने कहा लाओ स्केल लेके आओ और रेक्टेंगल लेके आओ, सब कुछ लेके आया आपने, नापा कि भाई इसका इतना एंगल है, इसका इतना है, और तो पूरा ज्ञान नहीं लगाना वहाँ, आपको देखना है कि भाई इसको कैसे पार कर सकते हैं, क्या मैं इसको थोड़ा सा उछल के पार कर सकता हूँ या साइड से निकल सकता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है भाई। यानी कि अगर हाथ जला है तो डॉक्टर को हार्ट वाले को नहीं देखना, पूरा शरीर का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। हाथ जला है, जलने संबंधित अनुक्रिया कर लो, पानी पीना तो पीने संबंधित कर लो, यानी कि जैसी आवश्यकता वैसी अनुक्रिया। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कह रहा है, किसी समस्या के समाधान के लिए उन आवश्यक तत्वों का चयन करना। क्या कह रहा है, किसी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक तत्वों का चयन। यानी कि अगर आपके दांत में दर्द है तो डॉक्टर को पूरे दांत 32 ही बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसी का एक इलाज किया जाए। यानी कि जैसी समस्या वैसा समाधान, पूरे अनुभव की आवश्यकता नहीं। तो आंशिक क्रिया कह रहा है कि समस्या समाधान के लिए जैसी समस्या वैसे आवश्यक तत्वों को आप कलेक्ट करें, उनको चयन करके समाधान कर दें। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। अगला है साहचर्य सादृश्यता आत्मसात का नियम। साचर्य सादृश्यता या आत्मसात का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि जो आपके पास है आपने उसमें कुछ और ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, आत्मसातीकरण यानी कि ग्रहण करना, साचर यानी कि उसी के साथ चलना। यानी कि ये कहना चाह रहा है एक लाइन में जो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, ये क्या है, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना। यानी कि ये क्या है, समस्या तो नई है लेकिन परिस्थितियां वही हैं जो हम पहले देख चुके हैं। यानी कि आपको मैथमेटिक्स आती है, यानी कि आपको प्लस माइनस करना है, ये आपको आता है इंडिविजुअली। अब मैंने इसको थोड़ा सा
तो परिस्थितियां तो वही, लेकिन समस्या नहीं आ गई कि यार इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। चीजें तो मैं सब जानता हूं, तो समस्या नई लेकिन परिस्थितियां पुरानी, तो वो क्या है? आत्मसात। यानी कि हम क्या करते हैं, नई चीजों यानी कि उन परिस्थितियों में जो हमने व्यवहार किया था उनको नई समस्या के सामने करने का प्रयास करते हैं कि यार उस वक्त हम कैसे रहे। यानी कि इसमें क्या है, नवीन समस्या लेकिन परिस्थितियां समान। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अंतिम नियम है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन में क्या है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, ना जोड़ना नहीं, आपको बदलना है। कोई व्यवहार आपका बन चुका था पहले, गलत था, आपको पता चला कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आपने उसको बदल दिया। बोलने का तरीका है हमारा, हम जब हम बाहर जाते हैं, एक अलग सोसाइटी में जाते हैं तो बदल देते हैं, क्या नहीं वो हमारी गलती थी। तो ये क्या है, ये क्या है, पुराने ज्ञान में परिवर्तन है। यहां आपको सब कुछ नया दिख रहा है, यानी कि इसमें क्या है, समस्या एवं परिस्थिति दोनों नहीं। यानी कुछ कुछ इस तरीके से, यानी कि इसमें क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, साथ में पूर्व ज्ञान का प्रयोग कहां पर, नवीन परिस्थिति और नवीन समस्या में। कैसे, हमने देखा कि COVID-19 आया दुनिया में, कोई नहीं जानता COVID-19 का इलाज क्या है, क्या समस्या है, कैसे इससे सुलझेंगे, परिस्थितियां भी नहीं हो गई, कोई नहीं जानता था लॉकडाउन जैसी कोई चीज होती है, कभी हमें घरों में कैद रहना पड़ेगा महीनों, हम इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन हमारे पास क्या था, वही पुराना ज्ञान जो हमें पूर्व में मिला था, हमने उसी के प्रयोग के माध्यम से खुद को बचाने का प्रयास किया, देश और दुनिया को बचाने का प्रयास किया, उन्हीं अनुभवों का फायदा उठाया, उन्हीं अनुभवों का फायदा ना कहूं तो उन्हीं और अनुभवों का लाभ उठाने का प्रयास किया जो अनुभव हमारे पास पूर्व में थे, जो हम पहले सीखे थे। तो परिस्थितियां भी नहीं थी, समस्या भी नहीं थी, ज्ञान तो वही था जो पुराना था, लेकिन कुछ सीखे, परिवर्तन हो गया ज्ञान में, समझ में आ गई चीजें कि जीवन क्या है, गलत फहमियां बदली लोगों की। तो ये यही कहना चाहता है कौन, साहचर्य परिवर्तन का। तो यहां नवीन व्यवहार आपके पुराने व्यवहार को बदल दे। यानी कि हम आज से खाते थे खाना, तो हम खाते थे, खाते भी हैं, आज भी खा रहे हैं, लेकिन जब हम सोसाइटी में गए, स्पून आ गया, फॉग आ गया, खाने के तरीके बदल गए, खाना ही बदल गया, खाना बदल गया भैया घरों में। पहले गेहूं और बाजरे की रोटियां खाया करते थे, पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने रख दीजिए चाउमीन, तो वो जानते क्या है ये, समझ ही नहीं आता, हम लोगों को बड़ा टेस्टी लगता है। तो बदल गई, खान पान बदल दिया हमने, पूरा परिवर्तन हो गया हमारे व्यवहार में। तो ये है साहचर्य परिवर्तन। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ आई होगी। थॉर्नडाइक के तीनों मुख्य नियमों को मैं आपको बता चुका हूं, थॉर्नडाइक के गौण नियमों को मैं आपको बता चुका हूं। अगली क्लास मैं आपसे बात करूंगा कि थॉर्नडाइक के नियम का शिक्षा में क्या प्रयोग हो सकता है, पेडागोजी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। और अब आगामी दिनों से आपको दो क्लासें मिला करेंगी,
एक साइकोलॉजी, दूसरा टेस्ट प्रैक्टिस सेट की। तो अब आप वीडियो को पूरा देखें, साथ में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। दिक्कत है तो मैं आपको नंबर दे ही चुका हूँ, नंबर के माध्यम से आप मुझ तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप तक मुझ तक अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हो। टेलीग्राम पर भी इसी नाम से ग्रुप मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे चुका हूँ, बाकी आपके यूट्यूब का वीडियो का कमेंट सेशन भी खुला हुआ है, आप यहाँ पर भी अपनी बातें रख सकते हो। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को भी अच्छा करने का मैंने प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वीडियो देखने में दिक्कतें थोड़ी सी कम होंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, देखना ही नहीं साथ में लाइक भी करना है, लाइक करना ना भूलें, भूल जाते हो आप लोग, ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला काम ना करें, गजनी ना बने। तो लाइक भी करें, शेयर करना भी भूल जाते हो तो शेयर भी करें। और हाँ, मुझे एक बात बताना भूल ही गया, रीट का रिजल्ट आया है, उम्मीद करता हूँ आप सबका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। नंबर मैंने आपको दिया है, अपने रिजल्ट को मेरे नंबर तक पहुँचाने का प्रयास करें, मुझे अपना रिजल्ट की कॉपी भेजने का प्रयास करें। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आएंगे आपके सामने कल फिर अगली वीडियो लेकर। थैंक यू।